हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल हेल्पिंग हैंड टेक। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कैसे आप अपना इंस्टाग्राम अकाउंट को परमानेंटली डिलीट कर सकते हैं। तो बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है, आप बहुत ही आसानी से इस वीडियो को देख के अपना इंस्टाग्राम अकाउंट परमानेंटली डिलीट कर पाएंगे। तो चलिए टाइम वेस्ट किए बिना वीडियो को शुरू करते हैं, जिसके लिए सिंपली आप अपना इंस्टाग्राम ऐप को ओपन कर लेंगे। ओपन करते आपके सामने इंस्टाग्राम का होम पेज आएगा, जिसमें आपको नीचे की तरफ साइड में प्रोफाइल का ऑप्शन मिलेगा, जिसमें आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपका प्रोफाइल ओपन होकर आ जाएगा। तो ये मेरा पुराना YouTube चैनल का Instagram अकाउंट है, जिसे मैं आपको डिलीट करके दिखा रहा हूँ। तो साइड में ऊपर आपको थ्री लाइन मिलेगा, जिसमें सिंपली आप क्लिक करेंगे। क्लिक करते आपके सामने बहुत सारा ऑप्शन ओपन होके आएगा, जिसमें सबसे पहला ऑप्शन सेटिंग और प्राइवेसी का आपको मिलेगा, जिसमें आप क्लिक करेंगे। क्लिक करते आपके सामने सेटिंग और प्राइवेसी का पेज ओपन होके आ जाएगा, जिसमें ऊपर आप देख सकते हैं अकाउंट सेंटर मेटा की तरफ से। तो गाइस, मेटा का जितना भी सोशल मीडिया अकाउंट है, जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, सब कुछ आप अकाउंट सेंटर की मदद से कंट्रोल कर पाएंगे। तो सिंपली आप अकाउंट सेंटर पे क्लिक करेंगे। क्लिक करते आपके सामने मेटा का अकाउंट सेंटर ओपन होके आ जाएगा, जिसमें नीचे आपको पर्सनल डिटेल्स का ऑप्शन मिलेगा, जिसमें आप क्लिक करेंगे। क्लिक करते आपका इंस्टाग्राम का पर्सनल डिटेल्स आपके सामने ओपन होके आएगा, जिसमें ऊपर आपको आपका मोबाइल नंबर, नीचे आपको डेट ऑफ बर्थ लिखा हुआ मिलेगा, और सबसे नीचे आपको अकाउंट ओनरशिप एंड कंट्रोल का ऑप्शन मिलेगा, जिसमें सिंपली आप क्लिक करेंगे। तो क्लिक करते आपके सामने अकाउंट ओनरशिप एंड कंट्रोल का पेज ओपन होके आएगा, जिसमें से आपको दूसरा ऑप्शन डी एक्टिवेट और डिलेशन का मिलेगा, जिसमें सिंपली आप क्लिक करेंगे। क्लिक करते आपके सामने प्रोफाइल सिलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा। जैसे कि मेरा फेसबुक और इंस्टाग्राम लिंक किया हुआ है, तो आप चाहे तो आप भी अपना फेसबुक और इंस्टाग्राम को लिंक कर सकते हैं। अगर आपको जानना है तो आप मुझे कमेंट पर या इंस्टाग्राम पर पूछ लेना, तो मैं एक अलग सा वीडियो बना दूंगा। तो जैसे कि मुझे इंस्टाग्राम अकाउंट डिलीट करना है, तो मैं इंस्टाग्राम अकाउंट पे क्लिक करूंगा। क्लिक करते आपके सामने ऐसा दो ऑप्शन आएगा, जिसमें से सबसे ऊपर डीएक्टिवेट अकाउंट और नीचे डिलीट अकाउंट का ऑप्शन आपको मिलेगा। डीएक्टिवेट अकाउंट पे आप अपना अकाउंट को डीएक्टिवेट कर सकते हैं। तो जैसे कि मुझे अपना अकाउंट को परमानेंटली डिलीट करना है, तो मैं दूसरा ऑप्शन सिलेक्ट करूंगा और नीचे कंटिन्यू पे क्लिक करूंगा। कंटिन्यू करते आपके सामने ऐसा रीजन का पेज ओपन होकर आएगा, तो आपको बताना पड़ेगा आप क्यों अपना इंस्टाग्राम अकाउंट डिलीट कर रहे हैं। तो आप अपने हिसाब से रीजन सिलेक्ट कर लेंगे, आप कोई भी एक रीजन सिलेक्ट कर सकते हैं। तो रीजन सिलेक्ट करने के बाद सिंपली आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। कंटिन्यू करते आपके सामने प्राइवेसी ऑफ इंस्टाग्राम ऐसा ओपन होकर आएगा, जिसमें आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। फिर आपके सामने इंस्टाग्राम अकाउंट का पासवर्ड डालने का ऑप्शन आएगा, जिसमें आप अपना पासवर्ड इस जगह पर लिख देंगे। तो गाइस, सिंपली आप अपना इंस्टाग्राम अकाउंट का पासवर्ड डालेंगे और नीचे कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते आपके सामने कंफर्म परमानेंटली अकाउंट डिलीशन का पेज ओपन होकर आएगा, जिसमें आपको नीचे डिलीट अकाउंट का ऑप्शन मिलेगा, जिसमें क्लिक करते आपका अकाउंट सक्सेसफुली डिलीट हो जाएगा। पर गाइस, उससे पहले आप एक बात जान लीजिए, आपका अकाउंट सक्सेसफुली डिलीट करने के बाद आपको 30 दिन का समय मिलता है। अगर 30 दिन के अंदर आप दोबारा अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर लॉग इन किए, तो आपका अकाउंट ऑटोमेटिक रिकवरी होके आ जाएगा। तो जैसे कि देख सकते हैं, मैं अकाउंट को डिलीट करने के बाद 7 मार्च 2024 तक अब मुझे समय मिलता है। मैं अगर चाहूं तो दोबारा अकाउंट को लॉगिन करके अपना अकाउंट को रिकवरी कर सकता हूं। तो अगर आप सक्सेसफुली आपका अकाउंट को परमानेंटली डिलीट करना चाहते हैं, तो आप 30 दिन तक अकाउंट को लॉगिन नहीं करेंगे, तो सिंपली आप नीचे डिलीट अकाउंट पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते आप थोड़ा सा वेट करेंगे। तो गाइस, जैसे कि देख सकते हैं, मेरा अकाउंट सक्सेसफुली डिलीट हो गया है। तो आप कुछ इस तरीके से अपना इंस्टाग्राम अकाउंट को परमानेंटली डिलीट कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है। तब भी आपको कुछ भी प्रॉब्लम आए या कुछ भी पूछना है, तो आप मुझे कमेंट पर या इंस्टाग्राम पर मैसेज करके पूछ सकते हैं, मैं जरूर से हेल्प करने की कोशिश करूंगा। और गाइस, अगर आपको इंस्टाग्राम से रिलेटेड और कोई भी जानकारी या इन्फॉर्मेशन चाहिए, तब भी आप मुझे कमेंट पर या इंस्टाग्राम पर बता सकते हैं, मैं एक अलग सा वीडियो बना दूंगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो मिलते हैं आगे एक नए हेल्पिंग इन वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो गाइस, थैंक यू।